इंडिया अगेंस्ट ईवीएम की ओर से सोमवार को देश से ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ की मांग को लेकर सिविल लाइन स्थित चुनाव आयोग कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। इस दौरान मोर्चे में शामिल आंदोलनकारी ईवीएम कर रही देश का सत्यानाश के नारे लगाते रहे थे। उनका कहना था कि लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए ईवीएम को बाहर करना होगा। ईवीएम यह मशीन होने से इसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके बावजूद चुनाव आयोग विरोध का संज्ञान नहीं ले रहा है। अब आगे दिल्ली के केंद्रीय चुनाव आयोग कार्यालय पर भी मोर्चा निकाला जाएगा, यह आंदोलनकर्ताओं ने कहा है। आगे उन्होंने कहा कि ईवीएम की वजह से ही देश के लोकतंत्र को खतरा है। जय भारत, जय संविधान। मैं एडवोकेट स्मिता कामले और यहाँ पे आज हम लोग आप देख ही रहे हैं संविधान चौक में इंडिया अगेंस्ट ईवीएम के माध्यम से ईवीएम के विरोध में भव्य मोर्चा का आयोजन किया है। और यह मोर्चा हम संविधान चौक से लेके यहाँ का जो निवडणूक आयोग है नागपुर का ऑफिस वहाँ लेके जा रहे हैं। और हमारी ये डिमांड है कि यहाँ से ईवीएम हटना चाहिए और बैलेट पेपर से ही 2024 के चुनाव हो। और इसके लिए हम 2018 से प्रयासरत है। आप सभी मीडिया वालों को पता होगा कि 2018 से हम लोग यह लड़ाई लड़ रहे, क्योंकि यहाँ की भारत की जनता के वोट की चोरी हो रही है ईवीएम के माध्यम से। जनता को ये पता चल चुका है और ये वोट की चोरी होना मतलब हमारे देश का और जो संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया है उसका अपमान है। और इसीलिए वोट की चोरी नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रगत राष्ट्र ने ईवीएम बनाई है वो खुद ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बैलेट से ही वो लोग चुनाव लेते हैं। तो भारत में ही इतना आग्रह क्यों है? बार बार हम लोगों ने चुनाव आयोग को निवेदन दी, गत एक महीने से हम लोग निवेदन दे रहे हैं। पीएमओ ऑफिस को हम लोगों ने निवेदन दिया, राष्ट्रपति ऑफिस में हम लोगों ने निवेदन दिया, चुनाव आयोग को निवेदन दिया, लेकिन सिर्फ चार लाइन का उत्तर आया। लेकिन जो डिटेल में उत्तर देना चाहिए वो अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। तो हमारी यह मांग है कि, और 10 दिन से यहाँ पे धरने के लिए भी हम लोग बैठे हैं, 17 फरवरी को हम लोगों ने हजारों की तादाद में 50,000 लोगों की उपस्थिति में हम लोगों ने ईवीएम विरोध में परिषद भी ली। और वह परिषद देश की पहली परिषद थी। और जब तक बैलेट आएगा नहीं तब तक हम लोग मैदान में रहेंगे और मैदान में लड़ते रहेंगे और बैलेट से ही चुनाव हो, यही हमारे ही नहीं तो जिम्मेवार भारतवासी की यही मांग है। इस मोर्चे को ट्रैफिक उपायुक्त कार्यालय के सामने ही पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी विपिन इटनकर को मांगों का ज्ञापन दिया। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।